सबसे पहले हमें इस तरह से जो मूली के धागे आते हैं उन्हें हमें इस तरह से मूली पर लपेटना है। इस तरह से दोनों उंगलियों को थोड़ा दूर दूर रखना है, पास पास नहीं करना है, और धागे को हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से लपेटना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। इस तरह से जब इस तरह से थोड़ा ये थोड़ा सा मोटा हो जाए तो उसे हमें ज़्यादा नहीं कम करना है, थोड़ा ठीक ठीक रखना है। इस तरह से फिर उसके बाद हमें बीच में इसको इस तरह से खोलते हुए इस तरह से बीच में उसके टाइट की इस तरह से इसी धागे को हमें इस पर लपेटना है और एक नॉट लगानी है। दो तीन बार लपेटते हुए इस तरह से हमें इसी धागे से हमें नॉट लगानी है अच्छे से। इस तरह से नॉट लगाने के बाद बीच में अब हम इसे दोनों साइड से कट करेंगे। इस तरह से यहां से भी और यहां से भी। जो भी एक्स्ट्रा हो उसे हमें कट करना है। अच्छे से फैला देंगे इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हमें कट करना है। इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम इस पर जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है इस पर हम इस तरह से स्टोन या मोती कुछ भी हो वो यहाँ पर हम लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू से लगा लीजिए या फिर अगर आपके पास सुई धागा है सुई धागे से लगा लीजिए, कैसे भी लगा सकते हैं। इस तरह से को लगाने के बाद मोती को अब हम इसके नीचे की डोरी तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से धागा लेना है और उस धागे को सेंटर में इस तरह से सेंटर देख लीजिए इस धागे का कहाँ पर है डोरी तैयार करने के लिए। और इस तरह से जो बुकरम आती है उसे छोटा सा पीस ले लीजिए, चाहे राउंड में ले लीजिए चाहे इस तरह से चौकोर ले लीजिए, और उसे हमें यहाँ ग्लू से यहाँ पर हमें चिपकाना है। और उसके बाद जो हमने राखी बनाई है उसे यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ साइड में हमें इस तरह से जो मोती आते हैं ये हमें यहाँ साइड में लगाने हैं। ये इस तरह से हमें इसमें मोती लगाने हैं। इस तरह से आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इतने इतने जगह दोनों को एक साथ रखकर यहाँ पर भी और दोनों साइड यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे ताकि ये मोती इधर उधर ना हो। यहाँ पर भी लगा दीजिए, सेंटर में हम वो राखी लगाएंगे और ये जो दूसरी साइड हमने जो वो भी लगाए तो इधर भी हम नॉट लगा देंगे दोनों साइड ताकि ये इधर उधर ना हो। इस तरह से मोती लगाने के बाद हमने जो बुकरम का पीस लिया था उस पर हम ग्लू लगाकर सेंटर में इस तरह से हम लगा देंगे इस तरह से। और इसके बाद वापस से इसके ऊपर हल्का सा ग्लू लगाएंगे इस तरह से। अब हमने जो ये राखी बनाई थी ये उसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह, और इन मोतियों को पास में करेंगे इस तरह। 5-7 मिनट के लिए हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये राखी हमारी बिल्कुल तैयार है। सेंटर में राखी लगा दी, दोनों साइड हमने मोती लगा दी और पीछे हमने इस तरह के बुकरम लगाई थी, बुकरम से इसे छुपाया। ये राखी हमारी बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।